हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फैब प्रियांशु। इस्लाम की दो शाखाएं हैं, सिया और सुन्नी। वैसे तो ये दोनों ही एक धर्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन इनके विचार एकदम अलग हैं। और सिर्फ इनकी विचारधाराएं ही नहीं, बल्कि इनके कुरान पढ़ने का, त्यौहार मनाने का और यहाँ तक कि हज करने का तरीका भी अलग है। सुन्नी मुसलमान दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, वहीं सिया मुसलमान दिन में सिर्फ 3 बार ही नमाज पढ़ते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों में और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस दरार की शुरुआत कैसे हुई। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म इस्लाम के बंटवारे की शुरुआत सन 632 में हुई, जब पूरा इस्लामिक समाज मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु का शोक मना रहा था। पर पैगंबर की मृत्यु के साथ साथ जो दूसरी चीज़ लोगों को सताई जा रही थी वो ये थी कि पैगंबर के बाद अब पूरे मुस्लिम समाज को रूल कौन करेगा, क्योंकि पैगंबर अपने पीछे कोई उत्तराधिकारी नहीं चुनकर गए थे। तो ऐसे में लोगों ने खुद ही पैगंबर के उत्तराधिकारी को चुनने का ठान लिया, और उस समय बहुमत ने अबू बकर को चुना, जो कि पैगंबर के करीबी दोस्त थे और सबसे पहले मुसलमानों में से भी एक थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा ग्रुप भी उमड़ रहा था, जो पूरी तरह से पैगंबर के भाई और दामाद के हित में था, क्योंकि उस समूह का मानना था कि पैगंबर ने अपनी आखिरी हज अली का हाथ लेकर कहा था। पैगंबर ने कहा था कि जिस किसी के लिए भी मैं मौला हूँ, उसके लिए अली भी मौला है। अब ये सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि अली ही पैगंबर के उत्तराधिकारी हैं, पर ऐसा नहीं है। दरअसल उर्दू में मौला का ढेरों अर्थ है। अब जो अली का अनुसरण करने वाले थे वो सिया थे, और उन्होंने इसका मतलब लीडर निकाला। वहीं जो लोग अबू बकर के साथीदार थे उन्होंने इसका अर्थ फ्रेंड निकाला, और यहीं से हुआ दो मान्यताओं का जन्म, और यहीं से शुरुआत हुई इस्लाम में पड़ने वाली सबसे बड़ी दरार का। ये जो दरार थी वो पहले राजनीति तक ही सीमित थी, पर धीरे धीरे ये दरार उनके तौर तरीकों में भी देखने को मिली। ये अब जान लेते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस नंबर 1, वेल सबसे पहले हम बात करेंगे उनके नमाज पढ़ने के तरीके के बारे में। सिया और सुन्नी दोनों ही 5 बार नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जो सुन्नी है वो दिन में 5 अलग अलग बार नमाज पढ़ते हैं, वहीं सिया मुस्लिम एक बार में एक दो नमाज जोड़कर दिन भर में 5 नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही दफ़ा। ऐसा सुन्नी भी कर सकते हैं अगर वो किसी वजह से 5 बार नमाज नहीं पढ़ पाए तो। डिफरेंस नंबर 2, सुन्नी नमाज पढ़ते समय अपने हाथ को क्रॉस रखते हैं, वहीं सिया नमाज पढ़ते समय अपने हाथ को साइड में रखते हैं। डिफरेंस नंबर 3, जब नमाज पढ़ते वक्त माथा जमीन पर रखना होता है तब सुन्नी मुस्लिम्स अपना सिर जमीन पर रखते हैं, वहीं सिया मुस्लिम्स मिट्टी के कॉइन पर रखते हैं, जिस पर हुसैन और पैगंबर के परिवार वालों का नाम होता है। डिफरेंस नंबर 4, जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो कब्रों पर नमाज पढ़ने के सख्त खिलाफ होते हैं। उनका मानना है कि अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नमाज अदा करना हराम है। वहीं दूसरी तरफ सिया मुसलमान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। उनका मानना है कि अगर उनके परिवार का कोई सिया मुसलमान मरता है तो वो तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंचाएगा। सिया और सुन्नी मुस्लिम्स में और भी बहुत से डिफरेंसेस हैं, तो उन डिफरेंसेस को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं।